बजरंग बली, हम आ रहे हैं, तुमसे कुछ मांगना है। हे हनुमान जी, सुन रहे हो? वो जो हमरी है, वो जो जन्म से हम उसको पराई कहते हैं, समझ गए ना? हमरी सुरीली जो है, उसके लिए कुछ मांगने आए हैं। इस साल सुरीली के सारे रुके हुए काम पूरे कर देना है बजरंग बली। ए मौसी, जब देखो हनुमान जी से कुछ ना कुछ मांगती ही रहती हो। हाँ, जो भी मांगना है एक ही बार मांग लो ना, हनुमान जी को भी टेंशन ना ही रहेगा कुछ देने के लिए। है इंदू, सब कुछ एक बार मांग लेंगे तो हनुमान जी का सोचेंगे? हमारे लिए थोड़ा थोड़ा जो कर रहे हैं बहुत है। जब बात मौसी, अगर थोड़ा ही बहुत है तो समझ लो हनुमान जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। या तुमने हनुमान जी से प्रार्थना की और वह हनुमान जी ने तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी खुशी लाने के लिए हमका भेजा। हमारे लिए खुशी कब भेजा है? वो कहा है ना मौसी कि चुकु के पापा जो है ना, वो अभी काम पर गए हैं। हाँ, खुशी की बात है, लेकिन हमरे लिए नहीं। चुकु स्कूल गया है, वो भी खुशी की बात है, तुम्हारे लिए। अरे मौसी, हम अभी अभी बाजार से आए हैं, आते वक्त देखा डिलाइट सिनेमा में एक नया खेला लगा है, जेठ महीना लेट ना होना। हे मौसी, चलो ना, बहुत मजा आएगा। पहला दिन पहला शो देखने का हम 2 टिकट लेकर आए मौसी, एक तुम्हारे लिए एक हमरे लिए। चलो ना मौसी, पहला दिन पहला शो देखने में मजा ही आता है। ना बेटा, हम सिनेमा देखने नहीं जा सकते हैं। का है? तुमने पैर में मेहंदी लगी है का? नहीं, सुरीली के इम्तिहान कल से शुरू हो रहा है बेटा। आय दया मौसी, सुरीली के इम्तिहान चल रहे, तुम्हारे थोड़ी, तुमका थोड़ी पढ़ाई करनी है। चलो ना। ना, अच्छा चलो ठीक है, जब चुकु की परीक्षा चलती है तब हम चुकु को समझाते कि चुकु अच्छी तरह से पढ़ाई कर, वैसे ही सुरीली को समझाते। चलो ना, सुरीली घर पर नहीं है। कहाँ गई है? कहाँ गई है वो, क्या कहते हैं उसे, वो जो होता है वो। अरे कहाँ होता है मौसी? स्कूल से छोटा होता है, पहले होता है कोचिंग क्लास। कोचिंग क्लास? मौसी का मतलब है कोचिंग क्लास। कोचिंग क्लास? अरे मौसी, अब तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो, जब सुरीली क्लास से आएगी और जब तक चुकू स्कूल से आएगा, तब तक ये खेला देख लेते ना मौसी। अरे बहुत मजा आएगा, वरना 2 टिकट और 2 सीट पे हम अकेले को बैठना पड़ेगा, हमका अच्छा नहीं लगेगा। चलेंगे चलेंगे। अरे चलेंगे, जब बात, चलो। अबे रोक 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 बे। ओ नो सुरीली, पापा कसम यार, तुम मिनिमम 100 इयर्स और मैक्सिमम 200 इयर्स जियोगी यार। हम तुम्हारे ही पास अभी भौंकने के लिए आ रहे थे, कहना ऐसे। ये भौंकते हैं? एक बार छेड़ कर देख लो, पता लग जाएगा। भैया सिर्फ भौंकते ही नहीं, गुस्सा आ जाए तो काट भी लेते हैं। अबे रिक्शा घुमाओ साले, डिलाइट सिनेमा लेके चलो, समझे? भैया भाभी कह रहे हैं ये चोकिंग क्लास जा रही है, इनका एग्जाम है, ये पिक्चर नहीं जा सकती है। अबे चोकिंग क्लास नहीं होती है बे, कोचिंग क्लास होती है, हमको पता है। देखो ऐसा है, हम तुमको कोचिंग क्लास छोड़ने के लिए कह रहे हैं, एग्जाम छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं यार। वैसे भी तुमने पढ़ के इतना क्या उखाड़ लिया? अब हमारे कहने का मतलब ये है कि इतने साल से पढ़ तो रही हो यार एक ही क्लास में। भैया भाभी एग्जाम की चिंता में है। अबे हमको इसकी चिंता है यार, हमें मालूम है सुरीली के एग्जाम का बोझ एग्जाम देने वालों के दिल और दिमाग में एकदम डीपली घुस के बैठ जाता है यार, प्रेशर सा हो जाता है। लेकिन भैया आपने तो इस बोझ को कभी बोझ समझा ही नहीं। अबे साले, बोझ को बोझ समझोगे तो बोझ बोझ बन के दिमाग को बोझिल कर देगा, समझे कि नहीं? सुरीली पापा कसम यार, फिल्म का नाम इतना मजेदार है तो फिल्म कितनी मजेदार होगी। गुरु आयो, आमा आया। फिल्म का नाम है जेठ महीना लेट ना होना। पापा कसम सुरीली, फिल्म चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के कह रही है कि लेट ना होना, लेट ना होना, और तुम मुझे लेट हो रही हो यार, प्लीज यार। अरे यार सुरीली, तुमको पता है फिल्म का हीरो कौन है? फिल्म का हीरो हमारी तरह डैशिंग चॉकलेटी बॉय, ड्रीम गर्ल का ड्रीम, योर फेवरेट बाके लाल। हाँ यार, हमरी जोरू हमको प्यार से बाके कहती है। अच्छा,
और गुस्से में क्या कहती है, तेरा सत्यानाश हो नासपीट है। प्लीज यार प्लीज। अबे ए गुड्डू सुरीली मान गए, सुरीली मान गए, जल्दी जाके डिलाइट सिनेमा में जो है टिकट बुक करवाए। ठीक है भैया, सेंटर का दो टिकट लेके रखते हैं। अबे बीच की नहीं कॉर्नर की लो बे, पापा कसम गर्मी में ठंडक का मजा कुछ और ही होता है। ओके भैया गुरु उतरो साले, रिक्शा हम चलाएंगे तुम बैठो। ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलेगा। गन्ना चूस रही हो का? नहीं, बांसुरी बजा रहे हैं। ए कजरी ओ आराम से सुरीली, आओ अंधेरा है आराम से। हाँ चश्मा 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 था, आ जाओ आराम से, आराम से अंधेरा है सुरीली है, आओ आओ बैठे। अरे भाई अबे इतने तो काले उसाले कहाँ से दिखोगे, और वैसे भी तुमको देखने थोड़ी ना चले, आओ सिट सिट। पिक्चर स्टार्ट हो गई क्या, अंधा है क्या? नहीं मतलब कितनी देर पहले स्टार्ट हुई? 10 मिनट। 10 मिनट भैया, 10 मिनट पिक्चर निकल चुकी है। अबे साले 10 मिनट के लिए हमको तो अकेला छोड़ दो गुरु, इतनी जगह है तो खाली पड़ी, वहां जाके कुनी बैठ जाते, उतनी अच्छी लव स्टोरी चल रही है यार। भैया हम भी तो लव स्टोरी ही देख रहे हैं। साले ये लव स्टोरी नहीं, वो लव स्टोरी देखनी तुमको, जाओ उधर। हमसे नाराज हो काहे, तुमने कौन से जो हमारी भैंसिया खोली है? काश ये वक्त यहीं पे रुक जाए और हम तुम दोनों एक साथ यहीं पे जिंदगी भर बैठे रहें। शुरू के 10 मिनट में क्या क्या दिखाया? वो तो बारिश हो रही है, उसके पहले वो खिड़की से झांक रहा था। मौसी जोड़दार कहाँ है? जोड़दार है ना, मतलब मेरे दिलो दिमाग में है मौसी भैया तो। वो क्या है मौसी, भैया को जरूरी काम था तो वो चले गए और हमको कोई काम नहीं था इसलिए आ गए। अच्छा ए, ए तो मौसी देखा ये निकम्मा गुड्डू भी खेला देखने आया है। गुड्डू कैसा है? हाँ ठीक है आंटी, सॉरी टंग ऑफ स्लीप भाभी। माँ बाजार जा रही है और बाबा खेत। कहाँ जा रहा है? अरे हमें यहाँ देख के डर गया का? ए गुड्डू कौन है, डरने की जरूरत नहीं है मौसी से, आज मौसी झाड़ू नहीं लाई है। जंतमंजन कहीं पर भैया मौसी। अरे गुड्डू मौसी बैलगाड़ी में कहाँ से आ गई? सुरीली देखो कितना अच्छा गाना चल रहा है। अरे अंगना में बाबा, पापा कसम यार ड्रीम में जाने का बड़ा मन कर रहा है। ये मौसी, अबे गुड्डू मौसी ड्रीम में कहां से आ जाएगी बे, हमको ड्रीम में जाने दो, आओ चलो चले। अरे अंगना में बाबा दुआरे पे मां, अंगना में बाबा दुआरे पे मां, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ। खेत गए बाबा बाजार गए माँ, खेत गए बाबा बाजार गए माँ, अकेली हूँ घर माँ तू आज बाल माँ, अकेली हूँ घर माँ तू आज बाल माँ। अरे यार सुरीली हमारा सपना है, सपने में तुम्हारी मायो नहीं, ओनली यू मी एंड हम। अच्छा अब निकलेगा तुम्हारा दम, सपने में भी आ गई है। छोड़ेंगे कोई गलती नहीं, ना ही हमारी गलती है। अरे यही तुम कह रहे का करे,
ऐसे कौन से पाप किए हमने ये दिन देखने पड़ रहे हैं। एक तो लड़की बोलती नहीं, ऊपर पढ़ाई में अंडा है। ये तो ऐसे शहर निकल गया है, लौटे ही नहीं है। चिट्ठी न तार, क्या करें हम। अरे दीदी, तुम इसलिए रो रही हो कि सुरीली पिक्चर देखने गई थी, या इसलिए रो रही हो कि जीजाजी शहर चले गए? ए बीजी के साथ सिनेमा देख देख कर झूठ बोलना सीख गई है। अरे सुरीली बोलना सीख गई है, मिठाई खिलाओ दीदी। वैसे बोलना नहीं, देखा इंतहा का कोनो चिंता नहीं है। कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं तुमको पता है? देने के लिए दहेज नहीं है हमारे पास। इंटर पास नहीं करोगी तो कौन करेगा शादी? अरे दीदी, इंटर पास तो पिताजी भी नहीं कर पाए थे। कोई एक नंबर से फेल हुआ, कोई दो नंबर से फेल हुआ। पिताजी ने तो नंबर का चक्कर ही नहीं रखा, पूरा का पूरा अंडा घर लेकर आ गए। चुप कर, हंस कह रहे हैं। पिताजी अंडा नहीं लाते तो भी फर्क नहीं पड़ता, पिताजी आदमी थे। अच्छा, पिताजी ने कभी बताया नहीं? चुप कर, समझा कर छोटू। सुरीली को ढंग का लड़का मिले इसलिए इसे पढ़ा रहे हैं। ये हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। अरे चिंता मत करो दीदी, सुरीली पढ़ाई भी करेगी, कोचिंग भी जाएगी और इंटर के इम्तिहान में पास भी होगी। क्यों सुरीली बिटिया? चुप कर, बड़ी आई कह रही है अव्वल आऊंगी। अरे बिजी के साथ घूमेगी तो क्या खाकर दिखाएगी? 3 बार फेल हो चुकी है, क्या करें इसका बताओ। अरे आधी पिक्चर देखने का पूरा गुस्सा सुरीली पे क्यों उतार रही हो दीदी? अरे देखो दीदी, हम वैसे तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अब करेंगे सुरीली की पहरेदारी। पापा कसम, क्या मारती हैं यार, बहुत चोट लगी क्या? हाँ बे, रुको। आय हाय, वो वो, आय हाय, वो वो। भौंकने के लिए ये मौका बिल्कुल सही नहीं है। अबे यार गुड्डू, हम जेन्युइनली भौंक रहे हैं बे, और वैसे भी हम सुरीली के लिए नहीं, मौसी के लिए भौंक रहे हैं। यार यार, हमसे गलती मिस्टेक हो गई, हमें सॉरी बोलना है। सॉरी तो पिताजी बोलते थे, इसीलिए पिताजी का सॉरी अम्मा ने कभी भी मंजूर नहीं किया। तुम्हारा सॉरी और चोरी तुम्हें मुबारक। पापा कसम गुरु, हम ईमानदारी से मौसी से सॉरी बोलने आए हैं। देखो सुरीली अब दीदी की नहीं हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए यहाँ भौंकने मत आना। धमकी दे रहे हो क्या बे? अरे धमकी तो पिताजी दिया करते थे, हम तो चेतावनी दे रहे हैं। अरे दीदी ने तो थोड़ा बहुत मारपीट कर छोड़ दिया, लेकिन हम बहुत खतरनाक आदमी है, मारपीट में हमारा कोई सानी नहीं। अच्छा, लेकिन मामा गुमशुदा गंज में तो आप मार भी खाए हैं और पीटे भी हैं। तुम्हें कैसे मालूम? अबे चकल में लिखा है गुरु। सुनो, जाते हो या हम... या क्या बे? या दीदी को बुलाएं? अच्छा इधर आओ गुरु। हाँ। लाल कौवा देखना चाहोगे? कहाँ है? उधर घूमो। अरे दे दे, अरे क्या हुआ? अरे छोटू, क्या हुआ? चश्मा कहे नहीं लगाया? हेलो, अरे का, अरे ये लापता गंज के लौंडे हैं, अरे छोड़ेंगे नहीं। पहले पकड़ तो लो। अरे पकड़ते तो पिताजी थे, एक बार उन्होंने वन मानुष को पकड़ लिया। अच्छा पता है, चलो। पता है लेकिन हमें तो अभी तक नहीं पता है। भैया क्या सोच रहे हो? अबे यार गुड्डू, हम ये सोच रहे हैं कि अगर सुरीली एग्जाम में पास नहीं हुई तो सारा कलंक हमारे माथे लगेगा बे। वैसे भी भैया आजकल आपका माथा बहुत बड़ा है, तो सोचो कलंक कितना बड़ा होगा। क्या कह रहे हो यार? अबे यार गुड्डू, पापा कसम सुरीली को कैसे पास कराना पड़ेगा यार। भैया खुद तो 10 साल से फेल हो रहे हो, तो भाभी को कैसे पास कराओगे? अबे यार गुड्डू, समझने की कोशिश करो यार। यार देखो ऐसा है, जो स्टूडेंट अच्छा नहीं होता वो टीचर अच्छा बनता है, जो खिलाड़ी अच्छा नहीं होता वो कोच अच्छा बनता है, और जो लौंडा अच्छा नहीं होता वो बाप अच्छा बनता है। गुरु देखो ऐसा है, हमको सुरीली को कैसे करके पास तो कराना ही है। अबे लेकिन करें तो क्या करें यार? भैया सबसे पहले ये पता करना होगा कि भाभी का कौन सा पेपर कब और कहाँ है। तो जाओ पता करो। हम? अबे यार गुड्डू, तो क्या हम करेंगे पता? अबे यार गुड्डू कैसी बातें करो यार, कभी तो इंडिपेंडेंट होना सीखो यार। यार देखो ऐसा है, भाभी किसकी बनेगी? हमारी। चाचा कौन बनेगा? हम। हाँ तो भाई सब तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं यार गुड्डू, और तुम घबराए चले जा रहे हो। जाओ 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 जाओ। ठीक है भैया, कुछ खर्चा पानी? अबे वो तो हम तुमसे मांगने वाले थे। पता करके। अबे साइकिल तो दे दो। अबे यार बताओ, ऐसे दोस्त हैं गुरु, इनसे अच्छे दुश्मन होते हैं यार। साइकिल लेके चलेगा बताओ। अबे यार
अबे यार गुड्डू कहाँ रह गए गुरु, इतनी देर तुम्हारा वेट कर रहे हैं हम। भैया हम भाभी के कॉलेज जाके एग्जाम का पूरा टाइम टेबल इम्पोर्ट से उखाड़ लाए हैं। ये देखिए। अरे यार गुड्डू पापा कसम दोस्त हो तो तुम्हारी तरह हो वरना ना हो। यार गुड्डू कल सुरीली का हिस्ट्री पेपर है बे, इतिहास में पास कराने के लिए क्या करना पड़ेगा गुरु? भैया आपको पुराना इतिहास मिटा के नया लिखना होगा। मतलब आपको पढ़ना होगा भैया, पढ़ के ही पास होते है ना। अरे यार गुड्डू कैसी बातें कर रहे हो यार, चवन्नी टाइप बात कर दी तुमने यार। देखो ऐसा है, पास होने के लिए और भी तो इंटेलिजेंट तरीके हैं। कौन सा भैया? जैसे नकल करके। हमको पता था आप ये वाला आइडिया जरूर देंगे, इसीलिए हम आते वक्त किताब की दुकान से कैश पैसा देके ये हिस्ट्री का एक गेस पेपर लाए हैं। है? अबे ये तो दो है भैया, एक चुरा के लाए। अबे यार क्या बात है गुड्डू, पापा कसम अब तुम एक काम करो। हाँ ये लो पेन, ये लो सादा पेपर। हाँ और ये लो गेस्ट पेपर। जी भैया। और ये है तुम्हारी खटिया। हाँ। शुरू हो जाओ। क्या भैया मतलब? अबे मतलब ये कि पर्रे बनाने पड़ेंगे बे, पापा कसम अपनी अकल से सुरीली को कराएंगे नकल और एग्जाम में सुरीली होगी सफल। गुड्डू पापा कसम दोस्त हो तो ऐसा हो यार, चल बे बटोर जल्दी इसको। भैया बहुत नींद आ रही है। अबे बाद में सो लेंगे बे, एक बार ऐसा आएगा कि जिंदगी भर के लिए सोते ही रहो गुरु मरने के बाद। आओ भैया। बूम बूम भैया। सुरीली है तबे। ऐ सुरीली, ऐ सुरीली बेटा सोना नहीं, जागते रहो पड़ा। हाँ मॉम में, मम्मी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये लो बेटा चाय पी लो। हाँ सोना नहीं, पढ़ाई करना है। जागते रहो जागते रहो। हाँ तुम तो जागते रहो। अरे जागते तो पिताजी थे। अच्छा हम है बेटा। हाँ तो पढ़ो। आयोमी अबे यार गुड्डू, अबे यार सुरीली को देखो बे कितना पौड़ी है यार। जागते रहो जागते रहो। ओ वाह भैया। अबे यार गुड्डू सुरीली को देखो ना यार, अपनी बेरहम सगी माँ और अपने पिताजी के भूत से चिपके हुए निकम्मे मामा की खुशी के लिए कितना मेहनत कर रही है यार। भैया हमारी मेहनत भी कुछ काम आएगी या यूं ही बेकार चली जाएगी? अबे गुड्डू हमारी मेहनत जरूर काम आएगी बे, ये देखो ना कितने फर्रे बनाए हैं बे, यहाँ यहाँ हर तरफ। दीदी देखो कुत्ता भौंका। अरे हमें लग रहा है भी जी पांडे आया। आज तो दौड़ेंगे। मौसी वायलेंस पे बिलीव क्यों करती है इतना? आप देखिए अब हम जो है ना, अब ये कहने आए कि हम सुरीली को एग्जामिनेशन में पास कराने का जिम्मा लेते हैं। पहले खुद तो पास होके दिखा। अरे देखिए मौसी जो बुड टाइप्स होते हैं ना वो ज्ञान बांटते हैं लेते नहीं है। सुरीली प्लीज कैन यू कम हियर। अरे देखा दीदी हमने कैसा दौड़ाया। है? नहीं मतलब तुमने। अबे साले ऊपर कहाँ जा रहा मौसी, देख ले नीचे बैठ। भैया अब कुछ नहीं हो सकता, मौसी ने ताड़का का रूप धारण कर लिया है, वो अब आपको सुरीली भाभी से कभी मिलने नहीं देंगी। अबे गुड्डू प्यार करने वाले कभी डरते नहीं भाई, और पापा कसम जो तुम्हारी तरह डरते हैं वो कभी प्यार करते नहीं। गुड्डू सुरीली को एग्जाम में मदद हम करेंगे उसके स्कूल जाके। या हम वहां कैसे जा सकते हैं, वो तो गर्ल्स स्कूल है। हाँ ये तो सही कहा। क्या बीजी की अक्ल से नकल करके सुरीली इंटर पास करेगी?
या फिर बीजी की तरह वो भी 10 साल इंटर में पास करेगी।